दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, शॉप नंबर 1, चौहाटा बाजार, मंडी, गिविंग यू अ न्यू स्टाइल। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के साथ अभिनेत्री यामी गौतम जुड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अभियान से जुड़ने के लिए यामी गौतम ने कोई पैसा नहीं लिया। ये अभियान हिमाचल प्रदेश के उन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है जो कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद पाए। इसके लिए सक्षम लोगों से जरूरतमंद बच्चों के लिए स्मार्टफोन डोनेट करने का आह्वान किया। इसके माध्यम से अभी तक लोगों ने 11,000 स्मार्ट मोबाइल फोन भेंट किए। इनमें अधिकतर नए फोन शामिल हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने डिजिटल साथी वेबसाइट को लॉन्च किया जिसके माध्यम से अब आसानी से लोग इस अभियान से जुड़ पाएंगे। अब इन स्मार्टफोन को जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मंडी से जुड़े। हिमाचल में 35,000 लोगों ने स्मार्टफोन के लिए लोन लिया है। हिमाचल प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक बहुत सुंदर और एक अच्छी योजना को आज लॉन्च किया गया है और जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा डोनेट अ डिवाइस डिजिटल साथी करके इसका पोर्टल भी आज प्रारंभ किया गया है। इसके द्वारा हमने पूरे समाज से इस बात के लिए अपील की है कि ऐसे कुछ अभावग्रस्त बच्चे हो सकते हैं, गरीब परिवारों से संबंधित हो सकते हैं, मजदूरों से संबंधित हो सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन शिक्षा के लिए यदि कोई मोबाइल फ़ोन इत्यादि की दिक्कत है तो उसमें जहां पर हम सब लोग योगदान कर सकते हैं तो उसमें सभी लोग योगदान करें। हमने एक ऐसी अपील की और उसके बाद आज उस कार्यक्रम को लॉन्च किया और आज हम ये देख रहे थे अभी लॉन्च करने के अवसर पर ही लगभग 1150 लोगों ने आज ऐसे टैबलेट और मोबाइल फ़ोन दिए हैं। अब इस कैंपेन को हम पूरे प्रदेश में चलाएंगे और इस सारी कैंपेन को चलाने में हिमाचल प्रदेश की जो हमारी जो टीचर जो कम्युनिटी है इसने सबसे आगे बढ़ करके भाग लिया है और उसके साथ साथ यहाँ पर आज हमने देखा विभिन्न जो हमारे बैंक्स हैं उन्होंने भी और फिर सिप्ला ने बहुत अधिक योगदान किया है और उसके अतिरिक्त जितने औद्योगिक घराने हैं, व्यापार वर्ग व्यापारी हैं और सरकारी कर्मचारी जो भी इस एक अच्छे मिशन में सहयोग करना चाहते उन सब से हमने अपील की है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।